गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड. टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 3. द नेम ऑफ चैप्टर इज एनिमल्स हेल्प अस. सो लेट्स स्टूडेंट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन. एनिमल्स हेल्प अस. Animals help us. We make homes for different animals. Complete the name of houses of different animals. Look at these pictures, students. This is shed. SHED shed. PEN pen. COOP coop. KENEL kennel. STABLE stable. There are different kinds of animals around us. Animals that we tame, underline the word of tame, or keep at our homes or on farms are called domestic animals. These animals are very useful to us. There are different kinds of animals around us. Kinds, type, there are different types of animals around us. Animals that we tame or keep at our home or on farm are called domestic animals. These animals are very useful to us. Okay, हमारे आसपास जो जानवर होते हैं, बहुत से जानवर होते हैं. Animals that we tame or keep at our home, और उन जानवरों को हम पालते हैं और उनको अपने घर में या फार्म में रखते हैं. तो उस ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? ऐसे एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, पेट एनिमल्स, PET पेट, ANI, MALS एनिमल्स, पेट एनिमल्स. Pet, an animal that is kept in the home as a companion and treated kindly. Okay students, we keep some animals at our home like dog, cat, fish, etc. They are called pet animals. We play and spend time with them. Pet animals help us in many ways. Okay? Pet animals, an animal that is kept in the home as a companion and treated kindly. We keep some animals that at our home like dog, cat, fish, etc.
हम अपने घरों में बहुत से एनिमल्स को रखना पसंद करते हैं, उनमें से जैसे डॉग, कैट और फिश है। दे आर कॉल्ड पैट एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो होते हैं उनको हम पैट एनिमल्स कहते हैं। वी प्ले एंड स्पेंड टाइम विद देम, पैट एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, और हम अपना टाइम जो है उनके साथ में बिताते हैं। और पैट एनिमल्स ये जानवर हमारे बहुत से कामों में हमारी मदद करते हैं। प्लीज टर्न द पेज। डॉग गार्ड्स और आवर होम, डॉग्स गार्ड GARDS गार्ड्स आवर होम, कैट कीप्स द माइस अवे, कैट कीप्स द माइस अवे। फार्म एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, फार्म एनिमल्स FARM फार्म एनिमल्स। वी कीप सम एनिमल्स एट अवर फार्म्स लाइक हेंस, काउस, शीप, गोट्स एक्सेट्रा। दे आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स, फार्म एनिमल्स आर एनिमल्स दैट आर रेड बाय मैन फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज फूड सप्लाई, इनकम जनरेशन, क्लोथिंग मटेरियल्स एक्स्ट्रा। ओके स्टूडेंट्स, फार्म एनिमल्स गिव अस फूड एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स। काउस, बफलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क। वी कीप सम एनिमल्स एट अवर फार्म लाइक हैन, काउ, शीप, गोट एक्सेट्रा। वी कीप सम एनिमल्स एट अवर फार्म्स लाइक हैन, काउ, शीप, गोट एक्सेट्रा। ETC, वी कीप सम एनिमल्स एट अवर फार्म, हम अपने फार्म में कुछ एनिमल्स को रखते हैं। वो एनिमल्स कौन कौन से हैं? लाइक हैन, काउस, शीप्स एंड गोट्स। दे आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स, इन जानवर्स को, इन एनिमल्स को हम फार्म एनिमल्स कहते हैं। दीज आर फार्म एनिमल्स, काउ, बफलोस एंड गोट। इनसे हमको क्या मिलता है? बॉटल किस चीज़ की है? यस, मिल्क। क्या मिलता है? मिल्क। फार्म एनिमल्स गिव अस फूड एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स। फार्म एनिमल्स गिव अस फूड एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स। काउस, बफलोस एंड गोट्स गिव अस मिल्क। मिल्क इज यूज इन मेकिंग different product. Farm animal give us food and many other useful things. Farm animal से हमको food और बहुत सी useful things मिलती हैं। Cows, buffaloes and goats give us milk. गाय, भैंस और बकरी हमको क्या देती है? मिल्क देती है। मिल्क इज़ यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, और मिल्क जो है वो उस मिल्क से बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं।
Hens, ducks and geese give us eggs. Hens, duck and geese give us eggs. Hen, murgi, duck, batak, do you see ke ducks? Batak and geese. Geese, geese means hens. Give us eggs. ये हमको क्या देते हैं? Eggs देते हैं. Okay? We eat the flesh of some animals like hen, fish, sheep and goat. We eat the flesh of some animals like hen, fish, sheep and goat. Underline the word of flesh. Flesh means mass. Okay, students? We eat the flesh of some animals like hen, fish, sheep and goat. किन एनिमल से हैन, फिश, शीप एंड गोट से हमको फ्लैश मीन्स मांस मिलता है, जिनको हम अलग अलग तरह की डिश में यूज़ करके भोजन में यूज़ खाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हैन से हमको क्या मिलता है? H-E-N, हैन से हमें क्या मिलता है? चिकन. ओके, गोट एंड मटन, गोट से क्या मिलता है? मटन. ओके, हनी बी, H-O-N-E-Y, हनी, B-E-E-S, बीज, हनी बीज, गिव अस हनी एंड वैक्स. हनी बी गिव अस हनी एंड वैक्स. हनी बी मीन्स मधुमक्खी. मधुमक्खी हमें क्या देती है? हनी, शहद देती है, और वैक्स मीन्स मोम. मधुमक्खी जो है वो हमको शहद और मोम देती है, या मधुमक्खी से हमें शहद और मोम मिलता है. वैक्स इज यूज्ड इन मेकिंग कैंडल. और वैक्स का, मोम का यूज़ किस चीज़ में होता है? यस, कैंडल बनाने में, यानी मोमबत्ती बनाने में वैक्स का हम यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो गेट फाइबर्स from some animals like sheep and silkworm. We also get fiber from some animals like sheep and silkworm. और हमको कुछ animals से fiber और के sheep and silkworm से हमको क्या मिलता है? फाइबर मिलता है. ओके, दिस इज, लुक एट द पिक्चर. शीप से हमको क्या मिला? वूल भी मिलता है. ओके, दिस फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स. और इन फाइबर से हम क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं. ओके, शीप गिव अस वूल टू मेक वूलन क्लॉथ. शीप जो होता है, शीप के जो बाल होते हैं, ऊपर के हेयर होते हैं, उनसे हमको क्या मिलता है? वूल मिलता है, ऊन मिलता है, और उसके बालों से ऊन बनता है. फिर ऊन से सर्दियों के वार्म क्लॉथ्स मिलते हैं, हमको गर्म कपड़े बनाए जाते हैं. ओके, प्लीज टर्न द पेज. सिल्क वार्म गिव अस सिल्क thread to make silk clothes. Silk worm जो होते हैं उनसे हमको silk मिलता है, जिस silk से हमारे लिए पहनने के लिए कपड़े बनाए जाते हैं. We use the skin of some dead animals to make leather. We use the skin of
some dead animals to make leather. Underline the word of skin. Skin means त्वचा भी होता है और चमड़ा. Skin means भी चमड़ा होता है और leather means भी चमड़ा होता है. Skin means चमड़ा, जो animals की खाल होती है उसको चमड़ा. Okay students, जो dead animals होते हैं उनकी खाल होती है. ओके स्किन ऊपर की देखा होगा आपने, काउ की और गॉट की, बस एनिमल्स की, उनसे उनकी खाल उतार कर क्या बनता है, लेदर. लेदर मींस भी चमड़ा होता है, लेकिन इस लेदर से हमारी यूज़ की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. लेदर इज़ यूज्ड टू मेक बेल्ट्स, जैकेट्स, बैग्स, शूज एंड मैनी मोर थिंग्स. ओके अब उस चमड़े से यानी उस लेदर से हमारे लिए यूज़ के लिए क्या क्या चीज़ें बनती हैं, बेल्ट्स, बैग्स, जैकेट्स, शूज एंड और बहुत सी चीज़ें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डेट्स ऑफ बर्डन, BEASTS, beasts of burden. Beasts of burden यानी वो animals जो बोझा यानी कि वजन यहाँ से वहाँ ले जाने का कार्य करते हैं. Beasts of animals, beasts of burden and animals such as a mule or donkey that is used for carrying load. An animal such as a mule or donkey that is used for carrying loads. Okay? Some animals are used to carry our loads, pull cart and plow our field. They are called beasts of burden. बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारा बर्डन यानी बोझा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं, हमारी सहायता करते हैं. जैसे दिस इज अ डोंकी, अ डोंकी इज यूज्ड इन कैरिंग लोड्स. ओके अ हॉर्स इज यूज्ड टू पुल कार्ट. ऑक्सन आर used to plow field. An elephant is used in carrying a load of wood. एक डंकी वो भी बोझा यहाँ से वहाँ ले जाने का कार्य करता है. डोंकी, ओके DONKEY, डोंकी इज यूज्ड इन कैरिंग CARRYING, कैरिंग loads, LOADS, loads. A horse is used to pull cart. Horse क्या काम करता है, एक तांगे को खींचता है. Okay? Oxen are used to plow field. Oxen यानी बैल क्या कार्य करते हैं, खेत जोतने का कार्य बैल करते हैं. An elephant is used in carrying a log of wood. एलिफेंट जो है लकड़ी के लट्ठे जो बड़े बड़े से होते हैं, लकड़ी जंगल में कटाई होती है तो वो एलिफेंट जो होता है वो उसको इधर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. वी कीप सम एनिमल्स एट अवर होम लाइक डॉग्स, कैट्स, fish, etc. Farm animals give us food and many other useful things. We also get fibers from some animals like sheep and silkworm. We use the skin of some dead animals to make leather.
Okay, students, your lesson 3 explanation finished. And ready, go to the washroom and wash your hands. Ready for your next period.